दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या होगा अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कंपेयर कर दिया जाए रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में? हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? सच्चे भारतीय हो तो जरूर देखना आज के इस वीडियो को एकदम लास्ट तक। दावा करता हूँ आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके अंतर्गत भारत के 8 राज्य आते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड इंडिया से वेस्ट बंगाल स्टेट के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है और 22 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय राज्य मिलकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का निर्माण करते हैं, जिनको बेसिकली सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन गाइस, सिक्किम स्टेट भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही गिना जाता है। वहीं रेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली इस वीडियो में मेनलैंड इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें टोटली इंडिया के 20 स्टेट्स का समावेश होता है। साथ ही 5 यूनियन टेरिटरीज बीसी में आती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं एक और नया शानदार कंपैरिजन आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टोटल एरिया 2,62,179 किलोमीटर स्क्वायर का है, जो एरिया वाइज इंडिया का सबसे छोटा जियोग्राफिकल रीजन है। गाइस, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडियन एरिया में ऑलमोस्ट 8% एरिया कंट्रीब्यूट करता है। वहीं रेस्ट ऑफ इंडिया का टोटल एरिया राउंड फिगर्स में लगभग 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा है, जो कि इंडियन एरिया का लगभग 91% है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश है विद 83,743 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जबकि 7,096 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ सिक्किम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों, वहीं मेनलैंड इंडिया में एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान विद 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। दोस्तों, राजस्थान का साइज पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइज से भी बड़ा है। एज वेल एज मेनलैंड इंडिया में सबसे छोटा स्टेट है गोवा, जिसका एरिया 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है और यह भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। दोस्तों, अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कुल आबादी लगभग 4.5 करोड़ की है, जो इंडिया की कुल आबादी का 3.76% है, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया की कुल आबादी लगभग 135 करोड़ से भी ज्यादा की है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आबादी से काफी ज्यादा है। इवन रेस्ट ऑफ इंडिया के 10 अलग अलग राज्यों की आबादी भी पूरे उत्तर पूर्वी भारत की आबादी से ज्यादा है। जहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट असम है, वहीं रेस्ट ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आबादी से लगभग 5.5 गुना ज्यादा है। आइए दोस्तों, बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। तो आज 2022 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नॉमिनल जीडीपी तकरीबन $112 बिलियन की है, जो इंडिया की जीडीपी में लगभग 3.2% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। वहीं रेस्ट ऑफ इंडिया की नॉमिनल जीडीपी लगभग $3.3 ट्रिलियन की है, जो इंडिया की जीडीपी का लगभग 96% है। दोस्तों, जहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $2,488 का है, वहीं रेस्ट ऑफ इंडिया का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा $2,444 का है। रिचेस्ट स्टेट्स बाय नॉमिनल जीडीपी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी असम स्टेट की है, लगभग $77 बिलियन इन 2022। वहीं रेस्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा नॉमिनल जीडीपी महाराष्ट्र स्टेट की $460 बिलियन की है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नॉमिनल जीडीपी से भी 4 गुनी ज्यादा है। दोस्तों, आई होप रेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। तो जरा बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भी कर लें। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारत का सबसे ज्यादा चाय उगाने वाला राज्य यानी असम स्थित है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे विकसित राज्य भी है। भारत में उगते हुए सूर्य का राज्य मीन्स अरुणाचल प्रदेश, भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य सिक्किम, भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक मिजोरम और नदी में तैरता दुनिया का सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा रिवर आइलैंड। साथ ही भारत में सबसे ज्यादा बारिश भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मौसिनराम में ही होती है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरे भारत में काफी अलग, अनडेवलप्ड एंड पिछड़ा हुआ देखा जाता है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में भी विकास चरम पर है। काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए प्लान किए गए हैं, जिनमें कुछ पर काम भी चल रहा है। दोस्तों, जिनमें एयरवे, रेलवे एंड रोड कनेक्टिविटी बेहतरीन होने के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी हमारे दूसरे भारतीय राज्य को हर एक फील्ड में टक्कर दे पाएगा। एंड अगर ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया की मेनलैंड से बेहतरीन तरीके से जुड़ पाएगा।
इंडिया ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी जोड़ने का काम करेगा। खैर दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे पैरामीटर्स पर। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट मिजोरम स्टेट का 97% का है, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला स्टेट का 98% का है। दोस्तों सेक्स रेशियो की बात की जाए तो मणिपुर 992 फीमेल्स पर 1000 मेल्स सेक्स रेशियो के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नंबर 1 पर लीड करता है, जबकि केरला स्टेट पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में हाईएस्ट सेक्स रेशियो रखता है, जिसका सेक्स रेशियो 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। गाइस, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जुडिकल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 80% हाउस होल्ड से भी ज्यादा है, जबकि मेनलैंड इंडिया में यह आंकड़ा 92% से भी ज्यादा है। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, गाइस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है असमीज, जबकि हिंदी रेस्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। टॉप 5 सिटीज की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की टॉप 5 सिटीज में गुवाहाटी, अगरतला, आइजोल, इम्फाल एंड ईटानगर का नाम आता है, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई एंड हैदराबाद टॉप 5 सिटीज में गिनी जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दूसरा वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।